सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्निकल एंटीक और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एंटीक पर। दोस्तों आज के वीडियो में आपको हम यूट्यूब बीटा प्रोग्राम के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों क्या आपने सुना होगा यूट्यूब बीटा प्रोग्राम या व्हाट्सएप या फेसबुक सभी के बीटा प्रोग्राम होते हैं। और दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बीटा प्रोग्राम्स के बारे में सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ कि क्या है और आप भी कैसे जो है बीटा यूजर्स बन सकते हैं किसी भी ऐप के लिए। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि स्किप कीजिएगा तो आपको वीडियो फिर कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बीटा प्रोग्राम्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि बीटा वर्जन है क्या। तो दोस्तों बीटा वर्जन वैसे कंपनियाँ लॉन्च करती है जो बहुत ही बड़ी हो जाती हैं, जैसे कि यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक, इंस्टाग्राम है, ये सब जो अभी बीटा प्रोग्राम लॉन्च कर चुकी हैं। और दोस्तों ये इसलिए लॉन्च करती हैं ताकि ये अपने ऐप में जो भी जो है अपना प्रोग्रेस करें, अपडेट करें नया नया, वो सबसे पहले जो आम लोगों तक पहुँचाने से पहले अपने बीटा टेस्टर को देती हैं। जिसके बीटा प्रोग्राम लॉन्च करने के बाद जो है कोई कंपनी या फिर कोई लोग हैं जो यूज़र वो बीटा में ज्वाइन हो जाते हैं और वो जो है अपडेट सबसे पहले उनके पास जाता है और वे इसे यूज करते हैं और कंपनी वगैरह इस कंपनी को जो अपना रिव्यू देते हैं कि ऐप पे अपडेट कैसा है, उसके हिसाब से जो दोस्तों ये अपडेट है आम लोगों के लिए आता है, पब्लिश इसे प्ले स्टोर पर कर दिया जाता है। तो दोस्तों बीटा वर्जन यूज करना आपके लिए सही है या नहीं, आपका जो बीटा वर्जन यूज करने से आपको फ़ायदा है या फिर नुकसान। तो दोस्तों अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं, यूट्यूब पर वीडियोज बनाते हैं, तो ये दोस्तों आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि अब कोई भी जो नया अपडेट आता है यूट्यूब का बीटा वर्जन में तो सबसे पहले बीटा यूजर्स को मिलता है और आप उस अपडेट को अपने व्यूवर्स को सबसे पहले बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आप जो है एक क्रिएटर नहीं है, अगर आम पब्लिक हैं, तो आपके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो नुकसान यह है कि अगर कोई भी अपडेट आता है किसी भी ऐप का जो कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले बीटा टेस्टर मिलेगा और आप बीटा टेस्टर होंगे तो आप वो अपडेट जो है आपको सबसे पहले मिलेगा। तो आप उसमें जो भी अभी तो वो पूरा चेक करने के लिए होता, अभी कंप्लीट अपडेट नहीं होता है, चेक करने के लिए दिया जाता है बीटा टेस्टर को कि वो अपडेट ठीक है या नहीं, लोगों के लिए उसके लाया जाए कि नहीं, तो आप उसके टेस्टर बन जाएंगे। तो इस तरह से उसमें जो भी जो परेशानी होगी उस अपडेट में तो वो सारी परेशानियाँ जो है आपको झेलनी होगी, बीटा टेस्टर को झेलनी पड़ती है। और चूँकि दोस्तों जो बीटा वर्जन वाले होते हैं वो कंपनी से जो सीधे संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पर देखे जा सके मेरा भी यहाँ पर ये यूट्यूब का जो बीटा वर्जन है तो यहाँ पर देखे जो मेरा कंपनी से देखे यहाँ पर तेरा टेक्निकल एंट्री ओनली द डेवलपर कैन सी दिस फीडबैक, यहाँ से मैं फीडबैक भेजूँगा सीधे कंपनी को मेरा इस अपडेट जो भी यहाँ पर अपडेट आया है और मैं इसको अपडेट करूँगा, इसके बारे में देखूँगा, अगर ये मुझे ख़राब लगता है तो यहाँ से मैं फीडबैक भेजता हूँ कंपनी को तो इस पर भी रिव्यू करेगी। और भी बहुत सारे मेरे जैसे कमेंट आते हैं कि अपडेट ठीक नहीं है तो वह अपडेट को जो है पब्लिश नहीं करेगा कंपनी, आम लोगों के लिए नहीं लगा, लेकिन ये अपडेट जो सभी लोग अच्छे कहते हैं कि ये अपडेट जो अच्छा है तो ये कंपनी आम लोगों के लिए भी ला देगा कुछ दिनों में। और दोस्तों इस तरह से जो भी नया अपडेट आता है वो बीटा टेस्टर के रिव्यू के बाद ही जो कंपनी अपने प्ले स्टोर पर ऑफिशियली लॉन्च कर देती है सभी लोगों के लिए। और दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जो बीटा वर्जन को आप भी अगर बनना चाहते हैं तो कैसे उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बीटा वर्जन में कैसे आ सकते हैं। तो दोस्तों आप कोई भी वीडियो यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर आप देखिएगा कि वो अपने वीडियो में बताते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देते हैं कि आप वहाँ पर जाइए, आपको वेबसाइट पर बीटा वर्जन में यूज का जो है ज्वाइन करने के लिए लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वो जो आप अपने सिर्फ अपने वेबसाइट को प्रमोट करते हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है लेकिन इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो देखने के बाद आपको बार बार अलग ऐप्स के लिए जो अलग अलग वीडियो नहीं देखना पड़ेगा कि आपको अलग अलग ऐप में बीटा ज्वाइनिंग के लिए अलग अलग वीडियो को जो नहीं देखना पड़ेगा, आप इस एक वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको कोई भी ऐप आप उसमें जाकर सीधे बीटा वर्जन का जो है ज्वाइन कर सकते हैं, बीटा यूजर टेस्टर बन सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना होगा कि सीधे अपने गूगल प्ले स्टोर पर चला जाना है और वहाँ पर आपको जिस ऐप का भी आपको बीटा वर्जन बनना है बीटा टेस्टर, तो यहाँ से आपको देखिए यूट्यूब जैसे मैंने यहाँ पर सर्च करके रखा है, यहाँ पर दे रहा है देखिए मैं ब्रैकेट में दे रहा है साइड में थोड़ा सा बीटा, तो यहाँ पर आप देखिए नीचे यहाँ पर दे रहा है यू आर ए बीटा टेस्टर,
यहाँ पर लीव का ऑप्शन है, तो यहाँ इसका मतलब कि मैं भी यहाँ पर इसका बीटा टेस्टर हूँ यूट्यूब का। तो चलिए दोस्तों मैं इसको कुछ दिखा देता हूँ, ऐसा कि जहाँ पर मैं बीटा वर्जन का जो यूज नहीं कर रहा हूँ वहाँ पर बीटा टेस्टर नहीं हूँ, तो वहाँ पर आपको कैसा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम को ओपन किया और यहाँ पर मैं बीटा टेस्टर नहीं हूँ। तो इसके लिए दोस्तों आपको बीटा टेस्टर बनने के लिए क्या करना होगा कि देखिए यहाँ पर आपको नीचे जाना होगा और यहाँ पर देखिए दे रहा है बिकम ए बीटा टेस्टर और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ज्वाइन नाउ का, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और फिर यहाँ से ज्वाइन पर कंफर्म कर देना है। और ये दोस्तों ये कुछ देर तक प्रोसेस करेगा, हो सकता है आधा घंटा एक घंटा भी प्रोसेस ले ले। उसके बाद दोस्तों ये प्रोसेस के बाद आप जो है इसके ऐप के लिए बीटा टेस्टर हो जाएंगे। तो दोस्तों अब आप चेक कैसे करेंगे कि आप किस किस ऐप पर जो है बीटा टेस्टर होंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको सिंपल अपने गूगल प्ले स्टोर पर यहाँ ऊपर जो लेफ्ट साइड में 3 लाइन्स होते हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है और यहाँ से आपको माई ऐप एंड गेम्स में चले जाना है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर आप कोई भी बीटा टेस्टर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ 3 ही ऑप्शन आते हैं, अपडेट्स, इंस्टॉल और लाइब्रेरी का। लेकिन आप कोई किसी भी आपका बीटा वर्जन यूज करने लगते हैं बीटा टेस्टर बन जाते हैं तो यहाँ पर एक और ऑप्शन आ जाता है चौथा बीटा का। तो यहाँ पर आपको दिखा देता है, शो कर देता है कि आप किस किस ऐप का जो बीटा वर्जन यूज कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ आपके सामने मैंने अभी इंस्टाग्राम को किया तो इसलिए इंस्टाग्राम का यहाँ पर आ गया और यूट्यूब, फेसबुक और जो है पर्सनल स्टिकर फॉर व्हाट्सएप, इस तीनों का जो मैं पहले से ही बीटा वर्जन यूज कर रहा हूँ। और देखिए दोस्तों ये अभी तुरंत ही हो गया, तो बहुत जल्दी हो गया। अब यहाँ पर दे रहा है यू आर ए बीटा टेस्टर और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गया फिर से यहाँ ब्रैकेट में बीटा। अब जिस चीज़ से आपके जो आप बीटा टेस्टर होंगे वो आप ऐप सर्च करिएगा तो यहाँ ब्रैकेट में बीटा आ जाता है, मतलब कि आप इसका बीटा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। इससे जो आपको जो भी नया अपडेट आएगा वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आप दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि बीटा वर्जन क्या और इसे कैसे ज्वाइन किया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी जान सके कि बीटा वर्जन क्या होता है और इसे कैसे ज्वाइन किया जाता है। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसा ही वीडियो लाते रहते हैं हमेशा। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।